नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम लोग कक्षा 7 के एनसीईआरटी लगा रहे हैं, प्रश्नावली 4.3। दोस्तों, हम लोग प्रश्न संख्या 3 तक कर चुके हैं। आज हम दोस्तों चौथा प्रश्न करते हैं। दोस्तों, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। कह रहा है एक्स बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए तीन समीकरण बनाना है। तीन समीकरण दोस्तों, हम ऐसे अच्छे करके लाइन खींच देते हैं। हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए दोनों ही तरफ हम दोनों तरफ ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ तीन से गुणा करते हैं। तीन से गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x = 6। ठीक है दोस्तों, अब दोनों ही तरफ हम तीन जोड़ देते हैं। दोनों तरफ तीन जोड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x + 3 = 6 में तीन जोड़ोगे दोस्तों 9। ठीक है दोस्तों, एक समीकरण बन गया। यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हम तीन से भाग कर रहे हैं। तीन से भाग दोनों तरफ तीन से भाग देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों x/3 = 2/3। ये खुद ही अपने आप में एक समीकरण हो गया है। इसके अलावा हम क्या करते हैं दोस्तों, दोनों तरफ 4 जोड़ देते हैं। 4 दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं। 4 ज्यादा हो जाएगा, 1 ही जोड़ देते हैं। दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा x/3 + 1 = 2/3 + 1। दोस्तों इसको थोड़ा सा आप हल कर लेंगे, क्या बन जाएगा ये, थोड़ा सा आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों x/3 + 1, ये हो जाएगा 3 × 3 = 5/3। ठीक है दोस्तों, एक और समीकरण तैयार हो गया। इस वाले में क्या करते हैं आप, दोनों तरफ कुछ भी करेंगे दोस्तों समीकरण तैयार हो जाएगा। दोस्तों दोनों तरफ हम तीन घटा रहे हैं, दोनों तरफ तीन घटा रहे हैं, तीन घटा रहे हैं। x - 3 = 2 - 3, x - 3 = -1, हो गया समीकरण। दोस्तों समीकरण तैयार है। आइए दोस्तों दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, इसको मिटाते हैं। बशर्ते आप दोनों तरफ जो करना है आपको दोनों तरफ करिए, समीकरण का मतलब यही है दोस्तों। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप दोस्तों बहुत ही इसका इंटरेस्टिंग आप यूज देखेंगे, इस्तेमाल दोस्तों आप दैनिक जीवन में भी इसका इस्तेमाल करने का प्रयोग करें। आपको जो नहीं पता है आप उसको एक्स मान लें और फिर उसको हल करने का प्रयास करें। जैसे कि आपको नहीं पता कि आपके चाचा की क्या आयु है ना, चाचा की आयु मान लीजिए आपकी 45 साल है, आपको पता है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए आपकी आयु 10 साल है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको अगर इन दोनों को अगर आप में एक एक समीकरण बनाना है तो आप इसको ऐसे लिखिए, 10 × 3 + 15 = चाचा की आयु। या फिर ऐसे यहाँ पे तीन की जगह आप ऐसे लिख लीजिए, 10x + 15 = 45। ठीक है दोस्तों, एक्स को जब आप हल करेंगे यहाँ 3 आएगा, फिर 10 × 3 = 30, 30 में 15 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप खेल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप दोस्तों बहुत बहुत ही ज़्यादा आपके दिमाग का कैपेसिटी है दोस्तों, आप इंसान हैं, इवॉल्व होकर के हम लोग इतना वो बने हैं। हम लोग दोस्तों कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीख सकते हैं, कोई भी इसमें गणित का कोई हुआ नहीं है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग सब दोस्तों आपके लिए आसान हो जाएगा, आप पढ़ते रहिए मेरे साथ। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है हमें तीन समीकरण बनाने हैं, वही x - -2 से शुरू कर रहे हैं इस बार। इससे शुरू करते हुए हमें तीन समीकरण बनाने हैं, ठीक है दोस्तों। हम दोनों तरफ 5 घटा रहे हैं,
ये हो जाएगा दोस्तों x माइनस पाँच बराबर माइनस दो माइनस पाँच, एक्स माइनस पाँच बराबर माइनस सात, एक समीकरण हो गया। इसमें क्या कर रहे हैं हम दोस्तों, दोनों तरफ पाँच से गुणा कर रहे हैं, दोनों तरफ पाँच से गुणा कर रहे हैं, पाँच से गुणा, पाँच एक्स बराबर माइनस दो गुणे पाँच, और क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस दस। अब दोस्तों हम दोनों तरफ पाँच घटा रहे हैं, दोनों तरफ मान लीजिए तीन घटा रहे हैं, तीन तीन घटा रहे हैं, तो पाँच एक्स माइनस तीन बराबर माइनस दस माइनस तीन, क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस तेरह, पाँच एक्स माइनस तीन बराबर माइनस तेरह समीकरण। यहाँ दोस्तों हम यहाँ हम दोस्तों पाँच से भाग कर रहे हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ पाँच से भाग कर देते हैं, पाँच से भागा, पाँच से भाग दे देते हैं दोनों तरफ, बस अरते हमें जो करना है दोस्तों दोनों तरफ करना पड़ेगा। आप जान रहे हैं समीकरण है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तराजू के बराबर है माइनस दो बटे पाँच। अब दोस्तों दोनों तरफ दो जोड़ देते हैं, दो जोड़ रहे हैं दोनों तरफ दो जोड़ रहे हैं, ठीक है दोनों तरफ दो जोड़ेंगे तो एक्स बटा पाँच प्लस दो बराबर माइनस दो बटे पाँच प्लस दो, इसको लघुत्तम लेंगे दोस्तों ये हो जाएगा आपका पाँच, इसका लघुत्तम हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स बटा पाँच प्लस दो बराबर पाँच लघुत्तम हो जाएगा और ये माइनस दो, और दो गुणे पाँच प्लस दो गुणे पाँच क्या आ जाएगा दोस्तों, दस में से दो जाएगा आठ बटे पाँच, एक्स बटे पाँच प्लस दो बराबर आठ बटे पाँच समीकरण हो गया। ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ अगली प्रश्नावली के साथ, धन्यवाद।